अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई एग चिकन की रेसिपी। बहुत मज़े की और इजी तैयार होने वाली रेसिपी है। उसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। 1 किलो मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने इस तरह से कट लगाए हैं। एक तो इस तरह से चिकन जल्दी गल जाता है, दूसरा इसके अंदर तक मसाला चला जाता है। 2 एग इसे फ्राई करने के लिए। ये जो मसाले हमें एग में चाहिए हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी एंड 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 कप पानी चिकन को तैयार करने के लिए पहले, और कुकिंग ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए। चिकन को तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई में चिकन ऐड करूंगी, काली मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और पानी 1/2 कप। हाई फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। दो मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था हाई फ्लेम पे। ये पकना शुरू हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मैंने सारे पीसेस की साइड चेंज कर दी है। ये देखें, दूसरी तरफ से ये गोल्डन कलर का हो गया है। अब मैं इसे अगेन कवर करके रख दूंगी। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी थी, ये देख लें, ये आपके सामने है। अब मैं इसके अंदर 1/2 लेमन ऐड करूंगी। टेस्ट के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, 20 मिनट के बाद चिकन तकरीबन गल चुका है। कुछ ये एग जब लगाएंगे तब फ्राई हो जाएगा। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। साथ ही मैं इसमें गर्म मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी कुछ देर के लिए। गरम मसाला चिकन में ऐड करने के बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया है। तब तक हमने जो अंडे लगाने, चिकन पे जो हमने अंडे लगाने हैं उसे हम पहले तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं नमक और काली मिर्च ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मैं फेंट लूंगी। आप बाउल यूज़ कर सकते हैं, मैं प्लेट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इजीली लगा सकूँ चिकन पे एग। देखो, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था और चिकन मैंने अलग से एक प्लेट में निकाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैं नॉनस्टिक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। वन एंड हाफ कप, और इसके नीचे मैंने फ्लेम हाई रखी है। अब मैं इसके अंदर चिकन लेग पीस रखूँगी। इसे अच्छे से अंडा लगा लेंगे हम। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये पीस रख दूँगी। ऐसे बारी बारी जो हमारे चिकन पीसेज हैं हम उसके ऊपर एग लगा लेंगे अच्छे से।
मैंने इन पीसेस पे एग लगा के इसे ऑयल में रख दिया है। जो पीस मैंने सबसे पहले डाला था उसकी साइड में चेंज कर दूंगी। ये देखें दूसरी तरफ से इसका कलर स्किन सा हो गया है। ऐसे ही हम बारी बारी सबके साइड चेंज कर देंगे। इन सबकी साइड मैंने चेंज कर दी और इसके नीचे मैंने अब फ्लेम लो कर दी है, ताकि क्योंकि कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से बना लेंगे। तीन मिनट के लिए मैंने इसकी दूसरी साइड से इसको पका लिया है। अब मैं इसकी साइड अगेन चेंज कर दूंगी। ये देखें ऐसे, इसका साथ साथ ख्याल रखना है आपने कि जल नहीं जाए नीचे से। ये देखें दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से बना लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम एक दफ़ा बंद कर दूंगी और इसे अलग से डिश में निकाल लूंगी। सारे पीसेज हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी गोल्डन सा कलर हो गया इसका। लेग पीस निकाल लेने के बाद मैंने अगेन फ्लेम ऑन कर दिया है इसके नीचे। ये जो बाकी पीसेज हैं चिकन के, इस पर मैंने एग लगा लिया है। अच्छे से एग लगाने के बाद ऐसे सारे पीसेस ये देखते हैं। फ्लेम पे मैं अभी इसे पकने के लिए रख दूंगी तीन मिनट के लिए। तीन मिनट के लिए मैंने इसकी एक साइड बना ली है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें इसका कलर। और अब हम तीन मिनट के लिए इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से बना लेंगे। दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुके हैं। इसके नीचे अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और अब मैं इसे डिश में निकाल लूंगी। टेस्टी फ्राई एग चिकन की रेसिपी बनके तैयार है। इसकी मैंने आपको आज इजी रेसिपी बताई। मैं इसके साथ यहाँ पे केचप और मायोनीज यूज़ कर रही हूँ। आप रायता, चटनी, जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट के आगे सर्व करने के लिए, किसी बेस्ट ओकेजन पे बनाने के लिए बहुत ही अच्छी डिश है ये। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और मज़े की वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।